लालू के बड़े पुत्र तेज प्रताप का फ्रेश आरोप। अपनी ही पार्टी पर लगाया बड़ा ही गंभीर आरोप। आर्म्स डीलर है आरजेडी का जहानाबाद प्रत्याशी। गंदी सोच वाला और आरएसएस का बताया एजेंट। बिहार में लालू के बगावती पुत्र तेज प्रताप फिर नींद से जागे हैं और इस बार जो आरोप उन्होंने आरजेडी पर दागा है उससे पार्टी और लालू परिवार दोनों को तगड़ा नुकसान होने वाला है। तेज का आरोप है कि जहानाबाद से आरजेडी उम्मीदवार हथियारों का सौदागर और गंदी सोच वाला व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वो आरएसएस का एजेंट है। तेज प्रताप का जहानाबाद सीट को लेकर अपने भाई तेजस्वी से विवाद तो चल ही रहा था। तेज प्रताप यहां से अपनी पसंद का उम्मीदवार चाहते थे लेकिन तेजस्वी ने बड़े भाई की बात नहीं मानी और टिकट दे दिया सुरेंद्र यादव को। तेज चाहते थे कि चंद्र प्रकाश को ये सीट दी जाए तो तेज ने गुस्सा दिखाते हुए पहले तो आरजेडी छात्र संघ की जिम्मेदारी से इस्तीफा दिया, फिर लालू राबड़ी नाम का मोर्चा बनाया, लेकिन फिर दोनों भाइयों ने साथ में केक काटा और प्यार भरी बातें भी शेयर की। लेकिन तेज का गुस्सा थोड़े ही कम होने वाला था। उन्होंने धमाका किया और कहा कि आरजेडी ने जिस सुरेंद्र यादव को जहानाबाद से प्रत्याशी घोषित किया है वो आर्म्स डीलर है और आरएसएस का एजेंट है। तेज ने चंद्र प्रकाश की चुनावी रैली में कहा कि सुरेंद्र लालू यादव का दरबान है, वो एक चापलूस है। मेरे पिता के जेल में होने की वजह से गलत लोगों को टिकट दिया गया है। वो हथियारों का सौदागर है, गंदी सोच वाला है और आरएसएस का एजेंट है। कुछ भी हो, तेज ने एक बार फिर चुनावी वक्त में आरजेडी के लिए नई मुश्किल तो खड़ी कर ही दी है।